23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में हुआ था और 18 अगस्त 1945 में उनकी मृत्यु हो गई थी। हमारे देश के इतिहास में ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं हुआ जो एक साथ महान सेनापति, वीर सैनिक, राजनीतिक अद्भुत खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुरुषों नेता के समक्ष सह अधिकारी बैठकर कूटनीतिज्ञ तथा चर्चा करने वाले हो। भारत की स्वतंत्रता के लिए सुभाष चंद्र बोस ने करीब पूरे यूरोप में लखन जगाया। बोस प्रकृति के साधु, ईश्वर भक्त तथा तन मन से देशभक्त थे। महात्मा गांधी के नामक सत्याग्रह को नेपोलियन की पेरिस यात्रा की संज्ञा देने वाले सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्ति थे जिसका मार्ग कभी भी स्वास्थ्य ने नहीं रोका, जिनके 5 लक्ष्य से पीछे नहीं हटे, जिसने जो भी सपने देखे उन्हें साधा और उसमें सच्चाई के सामने खड़े होने की अद्भुत क्षमता थी। सुभाष भारतीय की पहचान थे। आज भी भारतीय युवक उन्हें प्रेरणा करते हैं। वे भारत की अनमोल निधि थे और रहेंगे, और जय हिंद का नारा भी उन्होंने ही दिया। सुभाष चंद्र बोस का राष्ट्रीय भाषा प्रेम। सुभाष बाबू हिंदी पढ़ लिख सकते थे, बोल सकते थे, पर वह इसमें बराबर हिचकते और कमी महसूस करते थे। वह चाहते थे कि हिंदी में वह हिंदी भाषी लोगों की तरह ही सब काम कर सके। और सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन वाले दिन सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। ये थी ऐसे न्यूज की रिपोर्ट।